बर्ड्स फैमिली। एक जंगल बहुत ज्यादा हरा भरा था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। वहीं उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा दयालु थी। एक दिन वह सब पक्षियों के लिए होटल खोलती है, जिसमें वह तरह तरह के पकवान सभी पक्षियों के लिए बनाती है। परंतु वह सोचती है, एरी, मैंने अपना नया होटल खोला है और मैं तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ। मैं इन तमाम पक्षियों को अपने पकवान जरूर खिलाऊंगी और तो और मैं तोते महाराज को भी अपने पकवान खिलाने के लिए जरूर बुलाऊंगी। अगर वे तोते महाराज मेरे होटल पर आ गए और उन्होंने मेरे बनाए हुए पकवान खा लिए तो वे ऐसे खाकर बहुत ज्यादा खुश होंगे और मुझे उपहार भी देंगे। फिर मीनू चिड़िया तमाम पक्षियों के पास जाती है और उन्हें अपने होटल पर बुलाने के लिए कहने लगती है। अरे पक्षियों, मैंने अपना एक नया होटल खोला है पर आप सबको मेरे होटल पर एक बार पकवान खाने के लिए जरूर आना है। मैं बहुत अच्छे पकवान बनाती हूँ। अरे मीनू चिड़िया, क्या तुम सच कह रही हो? तुमने क्या वाकई में होटल खोला है? अरे तुम तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती हो, उन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा। अरे हाँ मीनू चिड़िया, मैंने भी एक दो बार तुम्हारे बनाए हुए पकवान खाए हैं। तुम तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट पकवान बनाती हो, अब तो उन्हें खाकर मजा ही आने वाला है। अरे हाँ पक्षियों, लेकिन क्या आप मेरे होटल पर पकवान खाने आएंगे या फिर नहीं? अरे मीनू चिड़िया, क्या बात कर रही हो? इतना स्वादिष्ट पकवान कोई छोड़ता है भला? मैं तो वह पकवान खाने जरूर आऊंगा, भले कोई पक्षी आए या फिर ना आए। अरे तोते, तुम्हें क्या पता, तुमसे पहले तो मैं ही पहुंच जाऊंगा मीनू चिड़िया के मजेदार पकवान खाने के लिए। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वे तोते महाराज के पास जाती है और उन्हें अपने होटल पर आने के लिए कहने लगती है। अरे तोते महाराज, मैंने इस जंगल में एक नया होटल खोला है और आपका आना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि मैं कितने अच्छे पकवान बनाती हूँ। अरे मीनू चिड़िया, क्या तुम भी पकवान बनाती हो? और तुमने भी अब नया होटल खोल लिया है। चलो, अगर मुझे समय मिला तो मैं आ ही जाऊंगा। फिर मीनू चिड़िया वापस अपने होटल पे चली जाती है। अगले दिन मीनू चिड़िया सभी पक्षियों के लिए तरह तरह के भोजन बनाती है और तमाम पक्षी मीनू चिड़िया के भोजन खाने के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं। मीनू चिड़िया ने तमाम पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे पकवान बनाए थे, जैसे कि जलेबी, समोसे, तला हुआ मांस और बहुत कुछ। तभी मिट्टू तोता मीनू चिड़िया का समोसा खाने के बाद मीनू चिड़िया से कहने लगता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा भोजन अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। अब तो मैं रोजाना तुम्हारे होटल पर आऊंगा और भोजन कर चला जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तोते भाई। फिर वे तोता भोजन खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वे मीनू चिड़िया को कुछ गंदम के दाने दे देता है। कबूतर ने भी मीनू चिड़िया का मजेदार भोजन चख लिया होता है और वे भी मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू चिड़िया, वाकई तुम्हारा भोजन तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे एक बात तो बताओ, तुमने ये भोजन कहाँ से बनाना सीखा? अरे कबूतर भाई, मैं बचपन से अपने घर में बहुत सारे काम करती थी, तभी तो मुझे इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाने आ गए। अरे वाह मीनू चिड़िया, वाकई तुम्हारे पकवान बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। फिर कबूतर भी खुश होकर मीनू चिड़िया को कुछ गंदम के दाने दे देता है। परंतु मीनू चिड़िया सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वे तोते महाराज का इंतजार कर रही होती है कि कब वे आए और वे उसके मजेदार भोजन का स्वाद चख सकें। तभी मीनू चिड़िया के पास बैठा हुआ कबूतर उससे कहता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम इतनी ज्यादा चिंतित क्यों लग रही हो? क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? अरे कबूतर भाई, मैंने जंगल के तोते महाराज को अपने होटल पर आने का आमंत्रण दिया था, परंतु वे अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अगर जंगल के महाराज तोते मेरे होटल पर आकर मेरे भोजनों का स्वाद चख लेते तो मजा ही आ जाता। फिर वे कबूतर मीनू चिड़िया से कहता है, अच्छा मीनू चिड़िया, तुम ज्यादा चिंतित ना हो, मैं अभी घर ही जा रहा हूँ और मैं जाते हुए रास्ते में तोते महाराज से कह दूंगा कि मीनू चिड़िया आपका इंतजार कर रही है, फिर वे तुम्हारे पास आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भाई। फिर वे कबूतर वहाँ से निकल जाता है
परंतु रास्ते में उसे तोते महाराज मिलते हैं। अरे तोते महाराज, मीनू चिड़िया अपने होटल पर आपका इंतजार कर रही है। उसने आपके लिए बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आपको वहाँ पर अवश्य जाना चाहिए। फिर तोते महाराज कबूतर से कहते हैं, अरे ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं मीनू चिड़िया के होटल पर जाके देख लूंगा कि उसने ऐसे कौन से भोजन बनाए हैं जो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। फिर कबूतर अपनी बात कर वहाँ से चला जाता है। फिर तोते महाराज अपने पास पड़ा हुआ भोजन खाने लगते हैं और तोते महाराज पूरा भोजन खा लेते हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। और फिर तोते महाराज कुछ देर आराम करने लगते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद तोते महाराज पहुंच जाते हैं मीनू चिड़िया के होटल पर उसके मजेदार भोजन खाने के लिए। मीनू चिड़िया तोते महाराज को अपने होटल पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वे उनके लिए तरह तरह के भोजन का इंतजाम करती है। परंतु तोते महाराज का पेट तो भरा हुआ होता है, इसी कारण वे कुछ ज्यादा भोजन नहीं खाते। तभी कालू कौवा, जो पहले से मीनू चिड़िया के होटल पर बैठा हुआ होता है, वे मीनू चिड़िया से कहने लगता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा भोजन तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मैंने इतना मजेदार भोजन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। फिर कालू कौवे की बात सुनकर तोते महाराज कहने लगते हैं, अरे मुझे तो ये भोजन बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम तमाम पक्षी इसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो। तोते महाराज की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया थोड़ी उदास हो जाती है। फिर तोते महाराज भी वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं और वे आराम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि तोते महाराज को उसका इतना स्वादिष्ट भोजन क्यों पसंद नहीं आया। तभी उसके पास बैठा हुआ कालू कौवा मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल उदास मत हो, देखना एक दिन तोते महाराज तुम्हारे होटल पर जरूर आएंगे और वे तुम्हारे सारे भोजन को जरूर खाएंगे। तेरी हाँ कौवे, मैं जानती हूँ एक न एक दिन तोते महाराज आएंगे और मेरे पकवान जरूर खाएंगे। फिर काफी दिनों बाद तोते महाराज बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तो वे मीनू चिड़िया के होटल पर जाते हैं। मीनू चिड़िया तोते महाराज को अपने होटल पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा मजेदार पकवान बनाकर तोते महाराज के सामने रख देती है। तोते महाराज को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई होती है और वे मीनू चिड़िया का बनाया हुआ सारा भोजन खा लेते हैं। अरे मीनू चिड़िया, वाकई तुम्हारा भोजन तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया है। तभी पास ही बैठा कालू कौवा तोते महाराज को याद दिलाता है, अरे महाराज, मीनू चिड़िया के भोजन में तो कोई भी बदलाव नहीं है, परंतु आज आप मीनू चिड़िया के भोजन की तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले जब आप आए थे तो आपका पेट भरा हुआ था, परंतु आज आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, जबी आपको मीनू चिड़िया का बनाया हुआ भोजन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कालू कौवे की ये बात सुनकर तोते महाराज मीनू चिड़िया से कहने लगते हैं, अरे मीनू चिड़िया, मैंने पहली बार तुम्हारा भोजन खाकर तुम्हारा बहुत ज्यादा अपमान किया था, मुझे इस चीज के लिए क्षमा कर देना, ये लो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ इनाम है। फिर मीनू चिड़िया तोते महाराज को खुश होता देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर तोते महाराज का पेट भर चुका होता है और वे खुशी खुशी वापस अपने घर चले जाते हैं। The Birds Family। ये कहानी एक पक्षीपुर नामक जंगल की है, जहाँ बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक कबूतर भी रहता था, जिसके साथ एक चील ने बहुत बुरा किया था। चील ने उस कबूतर को डराकर उसके पूरे गंदम के खेत पर कब्जा कर लिया था और वे बेचारा कबूतर बहुत ज्यादा चिंतित था। अरे मैं क्या करूं? इस दुष्ट चील ने मेरे पूरे खेत पर कब्जा कर लिया है। मैंने कितनी मुश्किल से इस पूरे खेत में अपनी गंदम लगाई थी, परंतु मैं इस चील का क्या कर सकता हूँ, ये तो इतनी ताकतवर है और मैं इतना कमजोर। उस कबूतर के दिमाग में अचानक एक विचार आता है, अरे हाँ, इस जंगल में मीनू चिड़िया भी तो रहती है, वो तो बहुत ज्यादा होशियार है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। उसकी तोते महाराज से अच्छी बातचीत है और तोते महाराज उसकी बात भी सुनते हैं, तो मैं उसके पास जाऊंगा और अपने ऊपर हुए अन्याय के बारे में उसे बताऊंगा, वे मेरी मदद जरूर करेगी। ऐसा कहकर वे कबूतर मीनू चिड़िया के घर पर पहुंचता है और मीनू चिड़िया को सारी बात बताता है। कबूतर,
मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। तुम्हारे साथ ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम तोते महाराज के पास जाओ और उनसे कहो कि इस दुष्ट चील को बंदी बना ले। ठीक है कबूतर, तुम चिंता मत करो, मैं तोते महाराज के पास जाऊंगी और उनसे कह दूंगी कि इस चील ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, इसलिए आप इसे बंदी बना ले। फिर तुम देखना, तोते महाराज मेरी बात मान लेंगे, वे हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा आभारी रहूँगा। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया और वे कबूतर तोते महाराज के पास जाते हैं और तोते महाराज को सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद तोते महाराज कहते हैं, अरे मेरे राज्य में मासूम पक्षियों के साथ इतना अन्याय हो रहा है और मैं इस बात से बेखबर था। चिंता मत करो कबूतर, उस चील ने अपनी ताकत का गलत फायदा उठाया है और मैं उसे इस बात का दंड जरूर दूंगा। जी तोते महाराज, वे चील बहुत ज्यादा दुष्ट है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है मीनू चिड़िया, चलो उस चील के पास, हम उसको भी देख लेते हैं। ऐसा कहकर वे तीनों उस दुष्ट चील के पास पहुँचते हैं और उस चील ने बेचारे कबूतर के पूरे खेत पर कब्जा किया हुआ होता है। तोते महाराज को सामने देख कर चील थोड़ा डर जाती है क्योंकि तोते महाराज पूरे जंगल के राजा थे। अरे चील, तुम कितनी ज्यादा दुष्ट हो, तुम मासूम पक्षियों के साथ कितना अन्याय करती हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुमने इस बेचारे कबूतर के पूरे खेत पर कब्जा क्यों किया है? अरे तुम कौन होती हो बोलने वाली, क्या तुम इस पूरे जंगल की रानी हो? अरे चील, मैंने चिड़िया इस पूरे जंगल की रानी नहीं, परंतु मैं इस पूरे जंगल का राजा जरूर हूँ। और राजा होने के नाते मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने इस बेचारे कबूतर के खेत पर कब्जा क्यों किया है? जी तोते महाराज, इस चील ने मेरे पूरे खेत पर कब्जा कर लिया है और ये मुझे डराती भी है। अरे मेरी मर्जी, मैं किसी चीज पर भी कब्जा करूँ। और मीनू चिड़िया, तुम ही तोते महाराज को यहाँ लेकर आई हो ना? अरे चील, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा बहादुर चिड़िया हूँ। दोस्त चील, मैं तुम्हारा राजा हूँ और मेरे सामने खड़े होकर तुम निर्दोष पक्षियों को धमकी दे रही हो, अब तुम्हारा अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा और अपनी पूरी जिंदगी तुम एक बंदी बनकर रहोगी। ऐसा कहकर तोते महाराज उस चील को सजा सुना देते हैं और वे चील 5 सालों के लिए एक बड़े से पिंजरे में कैद हो जाती है। परंतु उस चील ने तय कर लिया था कि जब भी वे रिहा होगी तो सबसे पहले वह मीनू चिड़िया से बदला लेगी और उसे वह बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कबूतर मीनू चिड़िया का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तोते महाराज से बात कर उस चील को सजा दिलवाई। अरे नहीं कबूतर, ये तो हम सब पक्षियों का फर्ज है कि जो भी पक्षी मुसीबत में हो हम उसकी मदद करें और किसी भी पक्षी के साथ जंगल में अन्याय ना हो। परंतु मीनू चिड़िया, तुमने मेरी आज बहुत मदद की है और अगर जिंदगी में कभी मुझे तुम्हारी मदद का मौका मिला तो मैं जरूर करूँगा। ठीक है कबूतर, परंतु तुम मुझे धन्यवाद नहीं करो क्योंकि हम तो दोस्त हैं। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, हम तो पक्के दोस्त हैं। मीनू चिड़िया और उस कबूतर की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। परंतु समय इसी तरह बीत जाता है और 5 साल बाद वे चील अब आजाद हो चुकी होती है और उस चील के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा होता है कि उसे मीनू चिड़िया से बदला लेना है। अरे इस मीनू चिड़िया ने तोते महाराज को बुलाकर मुझे बंदी बनवाया था ना, अब देखो मैं आजाद हो चुकी हूँ, अब मैं इसके साथ कितना बुरा करूँगी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया से बदला लेने के इरादे से वे चील मीनू चिड़िया के घर पर पहुँच जाती है। उस समय मीनू चिड़िया अपने घर में ही होती है और मीनू चिड़िया के साथ उसका छोटा सा सोनू चिड़ा भी होता है। मौका देखकर वे चील मीनू चिड़िया के पूरे घर को आग लगा देती है और खुद वहां से तुरंत भाग जाती है। कुछ समय में मीनू चिड़िया को पता चलता है कि उसके घर के बाहर आग लग चुकी है तो वे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और वे मदद के लिए पुकार रही होती है। अरे बचाओ, मेरे घर के बाहर आग किसने लगा दी? कौन दुष्ट पक्षी था जिसने मेरे घर के बाहर आग लगाई है? कोई मेरी मदद करो वरना तो मैं इसी तरह जल जाऊंगी। मेरे साथ तो मेरा छोटा सा सोनू चिड़ा भी है, कोई मेरी मदद करो। चारी मीनू चिड़िया जोर जोर से चिल्ला रही होती है
परंतु उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसी समय वह कबूतर आसमान पर उड़ रहा होता है, जिसकी मदद मीनू चिड़िया ने की थी। उड़ते उड़ते वह कबूतर मीनू चिड़िया के आग लगे हुए घर को देख लेता है। अरे बाप रे, ये मीनू चिड़िया के घर में आग कैसे लग गई? पता नहीं मीनू चिड़िया घर पर है या फिर बाहर, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मदद करने के इरादे से वे कबूतर मीनू चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाता है। तभी उसे मीनू चिड़िया के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे कोई बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, मैं और मेरा सोनू चिड़िया इस घर के अंदर फंस गए हैं और इस पूरे घर में आग लगी हुई है, कोई मदद करो मेरी। ऐसा सुनकर वे कबूतर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और वे फौरन से उड़कर अपने दोस्त बादल के पास जाता है और वे कबूतर उस बादल को सारी बात बताता है। क्या कह रहे हो दोस्त, मीनू चिड़िया के घर में आग लग गई है। अरे हाँ बादल मेरे दोस्त, तुम जल्दी से बारिश कर दो ताकि मीनू चिड़िया के घर की आग बुझ जाए, उसका बेचारा सोनू चिड़िया भी अंदर ही फंसा हुआ है। अरे हाँ हाँ कबूतर, क्यों नहीं, उस बेचारी मीनू चिड़िया ने मेरी बहुत मदद करी है और आज मुझे मौका मिला है तो मैं भी उसकी मदद करूँगा। बारिश के होते ही मीनू चिड़िया के घर में लगी हुई आग पूरी बुझ जाती है। तभी वे कबूतर भी मीनू चिड़िया के घर में आ जाता है और उसकी खैरियत पूछने लगता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें आग तो नहीं लगी ना और तुम जली तो नहीं। अरे नहीं नहीं कबूतर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है ये बारिश हो गई, इसी वजह से मेरे पूरे घर की आग बुझ गई और मैं सलामत हूँ। परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो बारिश का मौसम बिल्कुल भी नहीं है, फिर बारिश कैसे हो सकती है। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे दोस्त उस बादल के पास गया था और मैंने उससे कहा कि मीनू चिड़िया के घर में आग लग गई है, तुम जल्दी से बारिश कर दो, तो उस बादल ने बारिश कर दी और तुम्हारे घर की आग बुझ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है और तुमने मेरी जान बचाई है। अरे नहीं मीनू चिड़िया, तुमने ही तो कहा था कि हमें शुक्रिया नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम आपस में दोस्त हैं। और याद करो, तुमने भी मेरी एक समय में कितनी मदद की थी, तो फिर मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी। शुक्रिया कबूतर, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मीनू चिड़िया की जान बच जाती है और एक बार फिर उस पक्षीपुर नामक जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए और किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारी बर्ड्स फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। द बर्ड्स फैमिली। एक जंगल में बहुत ज्यादा शांति रहती थी क्योंकि उस जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी, वह सब पक्षियों की बहुत मदद करती थी। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी और उसके पास हर मसले का उपाय होता था, इसी वजह से जंगल के तोते महाराज उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। जब भी जंगल में कोई मसला होता तो सबसे पहले तोते महाराज मीनू चिड़िया को बुलाते और उससे इस मसले का उपाय पूछते। मीनू चिड़िया अपनी अकलमंदी और बुद्धि से तोते महाराज के इस जंगल को कई दफा बचा चुकी थी। तभी तो तोते महाराज भी उसे बहुत पसंद करते थे और हर जगह उसे अपने साथ साथ ही रखते थे। अरे मीनू चिड़िया, तुम कितनी बुद्धिमान हो, तुमने कई दफा इस जंगल की बड़ी बड़ी समस्याओं से निकलने में हमारी बड़ी सहायता की है। अरे तोते महाराज, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है, बस हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारी इस सोच के कारण ही तुम हमेशा सफल होती हो, मुझे गर्व है तुम पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। जंगल में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, बस थोड़ी सी दिक्कत थी। तोते महाराज का एक वजीर काला कौवा मीनू चिड़िया से अब जलने लगा था, क्योंकि तोते महाराज हर काम में मीनू चिड़िया को ही सबसे आगे रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मीनू चिड़िया के पास हर समस्या का समाधान है। तोते महाराज का वो वजीर काला कौवा भी अब सोच में पड़ चुका था। अरे मैंने इस जंगल को अपने कितने साल दिए हैं, मैं कितने साल से तोते महाराज की खिदमत में खिदमत करे जा रहा हूँ, पर मुझे सिला कुछ भी नहीं मिलता। जब भी देखो तोते महाराज इस मीनू चिड़िया को ही आगे बढ़ाते रहते हैं, ऐसा लगता है वे कोई महारानी है।
बस अब बहुत हो गया, मैं अब तोते महाराज से जाकर कह दूंगा कि वो मीनू चिड़िया का यहाँ पर आना जाना अब बंद कर दे और उसे कहें कि वो जाकर अपने घोंसले में ही रहे, वो एक चिड़िया है चिड़िया। कौवा ये कहकर तोते महाराज के पास जाता है जहाँ पर मीनू चिड़िया पहले से ही बैठी हुई होती है। अरे मेरे प्यारे वजीर, काले कौवे, बताओ तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ और क्या खबर लेकर आए हो? अरे महाराज, क्या मैं यहाँ पर सिर्फ काम से ही आ सकता हूँ? क्या मैं मीनू चिड़िया की तरह यहाँ पर बिना काम के नहीं आ सकता? अरे मेरे वजीर, तुम तो बिना काम के भी यहाँ आ सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो, मीनू चिड़िया यहाँ बिना काम के कभी भी नहीं आती। अरे तोते महाराज, मैं अब यहाँ से चलती हूँ, लगता है मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। अरे ठीक है मीनू चिड़िया, तुम जाओ और जब मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। फिर ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, कौवे ने मौके का फायदा उठाया और तोते महाराज को मीनू चिड़िया के खिलाफ भड़काने लग गया। अरे तोते महाराज, मीनू चिड़िया क्या कोई शाही परिवार से है या फिर ये कोई महारानी है जो ये हर वक्त यहीं पर ही रहती है? अरे मेरे वजीर, ऐसे कोई बात नहीं है, बस मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, इसीलिए मैं उसे हर वक्त अपने साथ रखता हूँ। अरे तोते महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, बुद्धिमान तो मैं भी हूँ पर आप मुझे तो अपने साथ नहीं रखते। अरे मेरे वजीर, मैंने कब कहा कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, बस तुम मीनू चिड़िया की तरह मुसीबतों का समाधान नहीं निकाल सकते जैसे कि वो निकाल लेती हैं। कौवे को तोते महाराज की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, इसलिए वो वहाँ से जाने का ही फैसला करता है। अरे महाराज क्षमा कीजिए, मेरी गलती हो गई, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर ये कहकर वे कौवा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने दोस्त बिरजू तोते के पास जाकर बैठ जाती है जो कि उसका बहुत पुराना मित्र होता है। मीनू चिड़िया और बिरजू तोता बचपन से एक साथ ही थे, वे दोनों हर काम एक साथ करते थे, पूरा जंगल उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। अरे मीनू चिड़िया, तुम तो कितने दिनों बाद यहाँ पर आई हो, ऐसा लगता है तुम तो मुझे भूल ही गई हो। अरे नहीं बिरजू तोते, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अरे हाँ मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ आजकल तुम तोते महाराज के साथ होती हो और जंगल की समस्याओं में उनकी मदद करती हो। अरे हाँ तोते, तुमने सही पहचाना, मैं तोते महाराज के पास ही होती हूँ, बस मैं चाहती हूँ जंगल के तमाम पक्षी हर वक्त खुश रहें और उन पर कोई परेशानी ना आए। अरे मीनू चिड़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम थोड़ा सावधान भी रहा करो। अरे तोते, लेकिन मैं किस बात से सावधान रहूँ, मेरे ऊपर तो कोई खतरा भी नहीं है। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें ये किसने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं है? तुम तोते महाराज के पास जाती हो और उनके तो कितने सारे वजीर हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक दुष्ट वजीर हो और वो तुमसे जलता हो, और क्या पता वो तुम्हारा बुरा भी चाहता हो। अरे हाँ बिरजू तोते, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मुझे थोड़ा सावधान ही रहना चाहिए। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम मेरी बचपन के दोस्त हो, जब ही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है बिरजू तोते, मैं समझ गई, अब मैं सावधान रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ तोते महाराज का वो वजीर काला कौवा मीनू चिड़िया से बहुत ज्यादा जलता था। वो एक योजना तैयार कर रहा था जिससे वो मीनू चिड़िया को तोते महाराज के सामने बुरा बना सके। अरे मेरे दिमाग में तो एक बहुत ही अच्छी योजना आ गई है जिससे मीनू चिड़िया तोते महाराज के सामने बहुत बुरी बन जाएगी। अब देखो, मैं तोते महाराज के भोजन में जहर मिला दूंगा और उसका सारा इल्जाम मीनू चिड़िया पर लगा दूंगा। फिर कौवा बिल्कुल भी देरी नहीं करता और वे अपनी योजना के अनुसार वहाँ पहुँच जाता है जहाँ तोते महाराज का भोजन रखा हुआ होता है। कौवा अपने साथ कुछ जहरीले पत्ते लेकर आता है जो कि वे तोते महाराज के भोजन में मिलाने वाला होता है। अरे अब देखना, मैं ये जहरीले पत्ते तोते महाराज के भोजन में मिला दूंगा और जैसे ही वो ये भोजन खाएंगे वो ऊपर वाले के पास चले जाएंगे, फिर मैं ये सारा इल्जाम मीनू चिड़िया पर लगा दूंगा। फिर वे कौवा फौरन तोते महाराज के भोजन में वे जहरीले पत्ते मिला देता है और वो वहाँ से फौरन चला जाता है। फिर तोते महाराज मीनू चिड़िया के साथ वहाँ आते हैं और वहाँ आकर बैठ जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, मेरे भोजन खाने का समय हो गया है, अगर
तुम्हें कुछ भोजन खाना है तो तुम भी खा सकती हो। अरे नहीं तोते महाराज, मैं तो घर से भोजन खा कर आई हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लीजिए। फिर जैसे ही तोते महाराज वे भोजन खाते हैं, उन पर जहरीले पत्तों का असर चढ़ना शुरू हो जाता है और वे वहीं गिर जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया मुझे? अरे तोते महाराज, ये आपको क्या हो गया? लगता है खाने में कोई जहरीली चीज थी। मैं अभी जाती हूँ और वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी मीनू चिड़िया वैद्य जी के पास जा ही रही होती है कि वे वजीर कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे सिपाहियों, पकड़ लो इस दुष्ट मीनू चिड़िया को, इसने महाराज को जहर देने की कोशिश की है, वह महाराज को मारना चाहती है। अरे नहीं नहीं कौवे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, और मैंने महाराज को जहर नहीं दिया। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि किसने क्या किया है। सिपाहियों, इसे बंदी बना लो। फिर वे दोनों सिपाही आते हैं और उस मीनू चिड़िया को बंदी बना लेते हैं। फिर मीनू चिड़िया और उन सिपाहियों के जाने के बाद कौवा तोते महाराज से कहता है, अरे तोते महाराज, अब ऐसे ही तड़प तड़प के तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम इसी के लायक हो, और तुम्हारे मरने के बाद मैं इस जंगल का महाराज बन जाऊंगा। फिर वे कौवा वजीर पूरे जंगल में ये ऐलान करा देता है कि मीनू चिड़िया ने तोते महाराज को जहर देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कल सुबह मीनू चिड़िया को फांसी दी जाएगी। फिर मीनू चिड़िया का दोस्त बिरजू तोता ये सब सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो वैद्य जी को लेकर फौरन तोते महाराज के पास जाता है। फिर वो वैद्य जी तोते महाराज में से वो सारा जहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से तोते महाराज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कौवा मीनू चिड़िया को फांसी देने के लिए मीनू चिड़िया को फांसी घाट ले जाता है। वह मीनू चिड़िया को फांसी देने ही वाला होता है कि अचानक तोते महाराज और बिरजू तोता वहाँ पर आ जाते हैं। तमाम पक्षी तोते महाराज को जीवित देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे पक्षियों, ये कौवा गद्दार है और इसने ही मेरी जान लेने की कोशिश भी की थी, इसने ही मेरे भोजन में मैं जहरीले पत्ते मिलाए थे, अब मीनू चिड़िया की जगह इस कौवे को फांसी होगी। फिर तोते महाराज के आदेश देते ही मीनू चिड़िया की जगह उस गद्दार कौवे को फांसी हो जाती है और फांसी भी लटकने के कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारी वर्ड्स फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।